दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से आज फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने की है पूछताछ। कल भी 3 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। सीबीआई दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जानना चाहती है कि 4,63,00,000 की रकम उनके खातों में कहां से आई थी और इस रकम का असली स्रोत क्या था। इस मामले में आरंभिक जाँच में तथ्य मिलने के बाद सीबीआई नियमित मुकदमा भी दर्ज कर सकती है, जो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि नियमित मुकदमा दर्ज होने के बाद सीबीआई सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार भी कर सकती है। सत्येंद्र जैन को नहीं हटाना, इसको मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सत्य मानती है कि सत्येंद्र जैन इस बात की धमकी दे रहे होंगे कि मेरे पाप में भागी बने हो तो अब मेरी सजा में भी भागी बनो। सत्येंद्र जैन के ऊपर इस वक्त दर्जनों केस चल रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, सीबीआई हवाला और काले धन की पूछताछ कर रही है और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल चुप बैठे हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल हमराज हैं एक दूसरे के। अरविंद केजरीवाल बचा रहे हैं सत्येंद्र जैन को, अगर नहीं बचाएंगे तो उनके घोटाले सत्येंद्र जैन खोल देंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।